बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बीएससी की किताब मैथमेटिकल मेथड बाय एसएन यूसुफ का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स का पहला टॉपिक ग्रुप पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या होता है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली न्यू वीडियोस को आप बर वक्त हासिल कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें और इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आप इस वीडियो से हासिल होने वाले पॉइंट्स को अच्छे तरीके से सीख सकें। आइए देखें ग्रुप क्या होता है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट and star be the binary operation defined on G, then G star is called a group। क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास G है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स कि ये एम्प्टी होना नहीं चाहिए। अब एम्प्टी होने से क्या मुराद है कि ये खाली नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ना कोई नंबर चाहिए, इसमें एक ही नंबर क्यों ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा छोटा सा, इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, 1 and -1, 2 नंबर्स हैं -1 and 1। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप, ये ग्रुप है। लेकिन अभी आपको क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी, तो मैं आके आपको आगे बताऊँगा। एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। अब ये स्टार से क्या मुराद है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है, बेसिकली जो हमारे पास ग्रुप है इसके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक हमारे पास है एडिशन और दूसरी हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, जो ग्रुप्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। तो आपने अपने जहन में इन्हीं दो चीज़ों को याद रखना है। Then this order pair G and star is called a group। तो ये का कहलाएगा ग्रुप। कैसे, आयन प्रॉपर्टीज़ की तरफ जिन्हें हम एक्जियम्स भी कहते हैं को डील करते हैं। क्लोइल लॉ होल्ड इन G, जो क्लोइल लॉ है वो G के अंदर होल्ड होना चाहिए। फॉर ऑल A B belongs to G। अब क्लोइल लॉ होल्ड करने के लिए हमारे पास दो नंबर होना ज़रूरी है, कोई भी हो सकते हैं, उन्हें हम रिपीटिव भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। हमारे लिए शर्त नहीं है कि हमने उसको रिपीट नहीं करना या उसको अलग अलग नहीं लेना, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो सेट है उसमें से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, लेट सपोज मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, एक -1 और 1 लेता हूँ। ए से मुराद -1 लेता हूँ, बी से मुराद मैं क्या लेता हूँ, 1। लेकिन अगर हम आमतौर पर नंबर ए बी से मुराद है कोई भी रियल नंबर, कोई भी, लेकिन मैंने यहाँ पर जो आपको सेट बताया उसके मुताबिक बताता हूँ। अगर हम 1 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह ए बी ए स्टार बी मैंने लिखा है बिलोंग्स टू जी, तो अगर मैं -1 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -1। और क्या वो इसमें मौजूद नहीं है, मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। देखिए -1 आपको नज़र आ रहा है, तो ये बिलोंग जी में करना चाहिए। इसका मतलब अगर ये बिलोंग जी में कर गया है, ए बी का प्रोडक्ट, यानी कि इन जनरल तो हमने ये कह दिया ए प्लस बी या ए मल्टीप्लाई बी, मैंने दो आपको बताई हैं यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन। अब मैंने मल्टीप्लाई करके बताया, मैं प्लस करके बताता हूँ। आप लेते हैं 1 and -1, अगर इनको आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 0। एडिशन के लिए यहाँ से ये हमारे पास ग्रुप नहीं है, जबकि मल्टीप्लाई के लिए यहाँ से क्या ये ग्रुप है। जब ये पहली कंडीशन फॉलो हो जाए हमारे पास किसी भी सेट पे, तो वो हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप पॉइंट ग्रुप होता है। कौन सा होता है, ग्रुप पॉइंट। सेकेंडली एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी, ग्रुप बनाने के लिए सेकेंडली हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना ज़रूरी है। कैसे, फॉर ऑल, अब एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास इस तरह की फॉर्म होती है ए स्टेरिक बी इंटू स्टेरिक सी, ए स्टेरिक इंटू बी स्टेरिक सी, यानी कि पहले जिस ब्रैकेट को हमने इधर रखा है उसकी ब्रैकेट की तरतीब हमने यहाँ पे चेंज कर देनी है, लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए बी सी हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, क्या हैं, 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, और वो किससे बिलोंग करते हैं, जी से। अब मैं इसी के अंदर से मैं ले लेता हूँ 1 -1 और 2 मैं लेता हूँ 1 1, 2 मैं पॉजिटिव 1 लेता हूँ, 1 मैं -1 ले लेता हूँ। अब मैं इधर अगर मैंने ए बी को, ए को मैंने लिया माइनस, बी को लिया 1 और सी को लिया 1, तो इधर देते ही देखें, अगर मैं इसको माइनस और 1 को, मैं इधर ना मल्टीप्लिकेशन के लिए आज सोल्व कर रहा हूँ, -1 and 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -1। और फिर हमारे पास जो चीज़ बची वो क्या, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फिर क्या आएगा,
माइनस वन वो इसके अंदर मौजूद है। सिमिलरली इधर क्या करो, अब यहाँ पे पहले वन मल्टीप्लाई वन होगा क्योंकि इस साइड मैंने बी और सी को वन वन कहा, और जबकि वन मल्टीप्लाई वन क्या हुआ वन, अब इसके साथ इसके लिए माइनस वन के साथ माइनस वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यहाँ पे, जो हमने एसोसिएटिव लॉ कहा है। तो इसका मतलब कि ये ग्रुप है किसके लिए, ऐसे मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसे। अब जब भी किसी सेट में दो प्रॉपर्टीज़ क्लोजर ला एंड एसोसिएट ला होल्ड हो जाए तो ये हमारे पास कहलाता है सेमी ग्रुप। क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप। थर्डली हमारे पास आती है इसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ला होल्ड इन जी, इसमें क्या होल्ड करे, आइडेंटिटी ला होल्ड करे। अब ये भी संभालने की आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन के लिए ऐसी आइडेंटिटी होती है हमारे पास ज़ीरो, और जबकि मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसे हमारे पास होती है आइडेंटिटी वन। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए से मुराद कोई भी रियल नंबर है, और ये किससे बिलोंग करना चाहिए, जी से। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे माइनस वन और वन लिया, मैं यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से वन ले लेता हूँ, मैंने वन रख लिया या माइनस वन रख लिया, जो भी मर्जी रख लें। देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन वहाँ पे लगता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करें, किसकी बात करें, स्पेसिफिक चीज़ की। ई बिलोंग्स टू जी, ई बेसिकली आइडेंटिटी को शो करती है इन जनरल ग्रुप के अंदर। अब इससे मुराद अगर हम एडिशन के लिए ऐसे ले रहे हैं तो ये ज़ीरो होगी, और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे ले रहे हैं तो ये वन होगी। बिलोंग्स टू जी सच डैट ए स्टेरिक ई इक्वल टू ई स्टेरिक ए इक्वल टू ए। जब भी हम स्टेरिक अप्लाई करते हैं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे, जो भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ऐसे आइडेंटिटी होगी, उसके साथ स्टेरिक अप्लाई करने पर कोई भी नंबर उसके साथ हो तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो ये भी ग्रुप है। अब तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करें जिस भी सेट के ऊपर, पहली दूसरी से मुराद क्लोजर ला, एसोसिएट ला, आइडेंटिटी ला, तो जो चीज़ हमारे पास बनती है उसे हम कहते हैं मोनोइड। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, इनवर्स ला होल्ड इन जी। इनवर्स क्या होता है, इन्वर्स से मुराद होता है बेसिकली उल्ट, किसी भी चीज़ का उल्ट। अब देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करना है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जी, फॉर एलिमेंट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, इसके लिए एक एलिमेंट ज़रूर होगा जो इसका इन्वर्स होगा हमारे किसके अंदर, सेट के अंदर। लेट्स सपोज मैं आपको उसी सेट में से एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने जी सेलेक्ट किया है के माइनस वन एंड वन। अब सेट में दो नंबर्स हैं, अगर हम माइनस वन का इन्वर्स देखते हैं एडिशन में, हम जब भी देखेंगे तो हमारे पास इन्वर्स कलेक्ट होगा माइनस के साथ, और अगर हम मल्टीप्लाई के साथ देखते हैं तो वो इन्वर्स के साथ, यानी कि उसका ओवर के साथ देखा जाएगा, उसको डिवाइड के साथ। तो अभी मैं एडिशन के लिए ऐसा करता हूँ, अगर हम वन का इन्वर्स देखें तो हमारे पास माइनस वन आता है, क्या आता है, माइनस वन, और माइनस वन का देखें तो वो प्लस वन आता है उल्ट। और अगर मल्टीप्लाई में देखें तो वन का इन्वर्स वन ही होगा, टू का इन्वर्स टू ही होगा, थ्री का इन्वर्स थ्री ही होगा, माइनस वन का इन्वर्स माइनस वन ही होगा, क्योंकि इन्वर्स ला तभी होल्ड करता है कि जब हम इसे अप्लाई करें तो आंसर में हमारे पास आइडेंटिटी आए, एडिशन के लिहाज से ज़ीरो एंड मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से वन। कैसे मैं साबित करके दिखाता हूँ, सच दैट ए स्टेरिक ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स स्टेरिक ए इक्वल टू ई, यानी कि ये एक अलग चीज़ इस तरह अगर हमें लिखी आ जाइए, इस तरीके से लिखी आ जाए, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, ई। ई से क्या मुराद है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का पता होना ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको समझाया कि कैसे और कैसी होती है। अब मैं आपको दोबारा रिव्यू करवाता हूँ कि ये क्या होता है इन्वर्स, कि जब भी हम किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो उसका इन्वर्स हो, आंसर में हमारे पास क्या आना चाहिए, ई, या उसके अंदर उसके ऐसे नंबर को ऐड करें जो उसका इन्वर्स हो तो हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, ई। और ई से मुराद है एडिशन के लिए आज से ज़ीरो एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए आज से वन, आइडेंटिटी। अगर किसी चीज़ में ये चारों प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, कोलिजन ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी ला, इन्वर्स ला, तो जो हमारे पास चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं ग्रुप। यहाँ तक हमारा टॉपिक कम्प्लीट हो जाता है, लेकिन ग्रुप की आगे एक और टाइप है एबिलियन ग्रुप या कॉम्पिटेटिव ग्रुप, वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन आपने यही याद रखना, जब ये चार प्रॉपर्टी किसी भी सेट के अंदर फॉलो हो जाएँ या अप्लाई हो जाएँ
तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रुप। अब कॉमोटेटिव ला होल्ड इन जी, जब जैसे ही ये ला होल्ड करेगा, कॉमोटेटिव ला को पता है कि जब हम ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा, तो हमारे पास आंसर दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर नहीं होता तो ये हमारे पास कॉमोटेटिव ला नहीं होता। अब यहाँ पे स्टैरिक और स्टैरिक के लिए ऐसे दो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, एक हमारे पास एडिशन है, दूसरी हमारे पास क्या, मल्टीप्लिकेशन। लेट्स सपोज हमने कोई दो नंबर सेलेक्ट कर लिए, ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। जैसे कि मैंने पीछे आपको एग्जांपल में बताया, हमने वन ले लिया, हम वन दोबारा ले सकते हैं, लेकिन मैं आपके इस ला के लिए माइनस वन ले लेता हूँ। अगर मैं एडिशन के लिए ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, वन एंड माइनस वन क्या होता है, ज़ीरो। माइनस वन और वन क्या होता है, ज़ीरो। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे देखता हूँ, वन एंड माइनस वन क्या होता है, माइनस वन इक्वल टू, अगर मैं उसको शुरू में रखता हूँ, पहले मैंने वन एंड माइनस वन रखा, मैं माइनस वन और वन को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास क्या होता है, वन। तो ये दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। मल्टीप्लाई के लिए ऐसे देखूँ, या इसको मैं देखूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे, तो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, बराबर। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे भी और कह लें कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे भी और एडिशन के लिए ऐसे भी क्या है, हमारे पास कम्पटेटिव ला होल्ड कर रहा है इसके अंदर। और जब कॉम्पटेटिव ला होल्ड कर जाए और पहले वाली चार प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए, तो हमारे पास जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं अबेलियन या कॉम्पटेटिव ग्रुप, अबेलियन या कॉम्पटेटिव ग्रुप। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ गौर करते हैं कि ग्रुप कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं। अगर हम एडिशन के लिए ऐसे देख रहे हैं, तो जेड इंटीजर्स पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव से मुराद ये नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर, तमाम इंटीजर्स हमारे पास। एडिशन के लिए ऐसे मुराद है बाइनरी ऑपरेशन, रैशनल नंबर और बाइनरी ऑपरेशन कौन सी अप्लाई करें, एडिशन। रियल नंबर एंड बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एडिशन। तो ये तमाम, इन तमाम प्रॉपर्टीज़, यानी कि ग्रुप के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़, चार प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें, तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें हमें क्या देती हैं, ग्रुप। सिमिलरली अगर हम क्यू डैश डॉट के साथ लें, आर डैश डॉट के साथ लें, सी डैश डॉट के साथ लें, क्यू से मुराद रैशनल, आर से मुराद रियल एंड सी से मुराद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और डैश का मतलब है कि इसके अंदर ज़ीरो शामिल नहीं करना, ज़ीरो के अलावा इन नंबर्स को लेना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी एलिमेंट्स जो होंगे इसके ग्रुप के या सेट के, वो हमें क्या अप्लाई क्या देंगे, एक नया ग्रुप देंगे। और ग्रुप के अंदर ये याद रखिएगा कि चार प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, अगर पांचवी प्रॉपर्टी होल्ड करें तो वो ग्रुप नहीं होता, वो अबेलियन ग्रुप होता है। उसके अंदर ग्रुप भी होता है, वो अबेलियन ग्रुप होता है, वो कॉम्पिटेटिव ला भी होल्ड करता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। और स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, आजकल के हालात आपको पता है कैसे हैं, किधर जाके पढ़ा तो नहीं जा सकता, तो एक हमारे पास यूट्यूब भी एक बेहतरीन सोर्स है पढ़ने का। अगर आप इस पे पढ़ते हैं और अपने पॉइंट्स क्लियर करते हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कि किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।